में कंडेंसर, टरबाइन, जनरेटर, ये सब चीज़ें होती हैं। और यहाँ पर एक्चुअली ये जो रिएक्टर है, इसमें असली रिएक्शन टेक प्लेस होती है। यहाँ पर हमने एक फ्यूल रोड लगाई हुई है यूरेनियम की, कंट्रोल रोड है, मॉडरेटर है, और यहाँ पर है कूलेंट पंप, यानी कि कूलेंट एक तरह से। तो इसमें जो मॉडरेटर का फंक्शन होता है, द फंक्शन ऑफ मॉडरेटर इज टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन टू थर्मल एनर्जी ड्यू टू द कोलिजन बिटवीन द न्यूक्लियाई एंड द न्यूट्रॉन प्रोड्यूस इन द फिजन। यानी कि जो मॉडरेटर होता है वो न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करेगा। सेकेंड, द फंक्शन ऑफ कंट्रोल रोड आर यूज टू कंट्रोल द रेट एट विच फिजन टेक प्लेस। यानी कि कंट्रोल रोड का काम होगा जो भी फिजन हो रहा है उसका रेट क्या है उसको कंट्रोल करने के लिए। कंट्रोल रोड्स आर ऑफ कैडमियम विच कैन एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन एंड दस कंट्रोल द फिजन रिएक्शन। मतलब कि न्यूट्रॉन को ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं कैडमियम रोड, जिसकी वजह से रेट को कंट्रोल किया जा सकता है। थर्ड है, कूलेंट इज यूज टू रिमूव द हीट विच इज रिलीज इन साइड द रिएक्टर। जैसे गाड़ी के इंजन में या फिर हर तरह के व्हीकल में कूलेंट यूज करते हैं, ऐसे यहाँ पर भी हम कूलेंट को हीट, जो एक्स्ट्रा हीट होगी उसको रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। अब देखो इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, इन अ न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर टू स्लो डाउन द फास्ट न्यूट्रॉन। यानी कि फास्ट न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करने के कौन काम आता है, मैंने आपको बताया था मॉडरेटर। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मॉडरेटर। एक और क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है, इन न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर द कंट्रोल रोड्स टू कंट्रोल द फिजन रेट। मतलब कि फिजन रेट को कौन कंट्रोल करता है, तो मैंने आपको बताया था कंट्रोल रोड रेट ऑफ फिजन को कंट्रोल करता है, जबकि मॉडरेटर क्या करता है, स्लो डाउन करता है फास्ट न्यूट्रॉन्स को और कूलेंट एक्स्ट्रा हीट को रिमूव करता है।